हे गाइज, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई, वीडियो लेके आना बहुत जरूरी था। मतलब मेरे को लगा कि वीडियो लेके आऊँ मैं अपना रिएक्शन दो ही चीज पे। आप सबका इसके ऊपर क्या व्यू है वो कमेंट में जरूर बताए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई, वीडियो स्टार्ट कर लेते। सपना सपना जिसको मोस्टली सब जानते हैं, और मैं ज्यादातर इसके टॉपिक पे इतनी वीडियो नहीं बताती। जो पहले बनाई थी वो है अभी भी, और जो सच है मैं उसी पे बात करती। मैं ये फेवर नहीं लेती कि हाँ ये दुखी है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। देखो भाई, किस्मत है, किस्मत किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। हमें अपने का नहीं पता, आगे किसी और का नहीं पता, क्या पता किसके साथ क्या हो जाए। ठीक है, तो वो तो मैं यहाँ पे वो मैं नहीं मचाऊंगी कि सबसे दुखी है, ये है, वो है। दुखी तो वो भी है जो बिचारी एक, मतलब इसके पास कम से कम इनकम सोर्स तो है, महीने के 8 लाखों रुपए तो कमा रही है। अपने बच्चे पाल तो सकती है ना, अच्छी प्रॉपर्टी है, सब कुछ अभी इसके पास नहीं है, लेकिन बाद में तो आ जाएगी ना सारी इसके बच्चों के पास। लेकिन दुखी तो वो भी है जिनके पास कोई इनकम सोर्स भी नहीं, जो बिचारी 500 500 रुपए की दिहाड़ी कर करके ना अपने बच्चे पाला है, सिंगल मर्द, सॉरी मदर है। दुखी तो वो भी है। तो अगर ये ब्लॉग बनाती इसका मतलब ये वो नहीं, तो वो चीज तो मैं नहीं खेलूंगी यहाँ पे कि ये वो है, ये वो है, ऐसी है, वैसी है, नहीं। हाँ भाई, किस्मत है वो, किसी का हम कोई कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छी है, मैं ये भी बोलूंगी। लेकिन अभी इस क्या ऐसी बात आई है जो वीडियो बनानी पड़ी है। बात ये आई है कि जो सीवी सीवी जिसको सब जानते हैं, सपना की बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, अब उससे भी सपना का रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है। मतलब सीवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया है। सीवी सपना को फॉलो नहीं कर रही है, अंशु को कर रही है, लखन को कर रही है, लेकिन सपना को नहीं कर रही है। मतलब ऐसा क्या हो गया कि इतनी बेस्ट फ्रेंड जिसने हेल्प किया है, जब सपना घर से निकली थी तो वहां से निकलने पर सिर्फ और सिर्फ सीवी ने हेल्प की, उसके घर रही, उसको घर ढूंढने में हेल्प की, हर जगह उसको घुमाया फिरा, मतलब हर चीज करवाई। ऐसा क्या हुआ कि इतने ही बस इतने ही कम दिनों में उससे भी रिश्ता खत्म हो गया। सीवी के साथ भी, पहले सास ससुर के साथ, अंशु के साथ, अब सीवी के साथ। मतलब यहाँ हम क्या बोले, सपना की गलती है या उन बंदों की गलती है जिससे इसके रिश्ते खत्म हुए हैं। अब कमेंट की बात करें तो लोग बोल रहे हैं कि भाई कहीं सीवी फेमस ना हो जाए तो इसीलिए सपना ने उसको छोड़ दिया। सपना के अंदर घमंड है इसलिए सपना ने उसको छोड़ दिया। उसके अंदर अक्कड़ है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ सपना ही हर जगह सही है और बाकी सब गलत है। एक बंदा गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि सारे के सारे गलत हो जाएं। इसीलिए सपना ने खुद छोड़ा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ने अभी तक सीवी को अनफॉलो नहीं किया, लेकिन सीवी ने अनफॉलो किया है। कुछ तो ऐसी बड़ी बात हुई है भाई सीवी के लिए जिसने सपना को अनफॉलो किया। लखन नीतू को नहीं किया, अंशु को नहीं किया, वो भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में है, लेकिन सपना को ही क्यों किया? देखो, कई रिएक्शन चैनल मैंने देखे हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, साइड लेते। पहले भी मैंने बोला था भाई, हर जगह सासू ससुर गलत नहीं होते, हर जगह उन्हीं की वो नहीं होती, एक हाथ से कहीं ताली नहीं बजती। या इसकी भी गलती हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। हर चीज सोशल मीडिया पे लेके आना वो बिल्कुल सही नहीं है। पहले ये राजवीर कितनी वो करती थी, वो उसकी मालिश करते थे बालों में, इतना वो करते थे, इतना प्यार करते थे, ये करते थे, वो करते थे, इतनी अच्छी उसकी इमेज बना रखी थी। लेकिन एकदम से बिना किसी बात के, बिना किसी उसके, मतलब वो बंदा है ही नहीं दुनिया में इसका, जो बिल्कुल ही जा चुका, जो कभी आएगा भी नहीं वापिस लौट के, उसकी अगर ऐसी बदनामी की जाती है तो वो आप लोगों को कहाँ तक सही लगता है? मतलब क्या इंसाफ मिलने का उसका वो है, जो वो बंदा खुद भगवान ने उसको सजा दे दी है, ऐसे जो सब कुछ छोड़ के एकदम चला जाता है तो वो सजा ही होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि वहां पर ये विक्टिम कार्ड नहीं खेला जा रहा तो क्या खेला जा रहा है? देखो, मैं लोग बोलेंगे तो एक लुगा औरत हो के औरत के बारे में इतना गंदा बोल रही है, ये बोल रही है, कुछ है बेदिमाग की जो ऐसी रिपीट बातें करेंगी। लेकिन बात सोचने की वो करो ना, वो माँ है, वो भी तो एक औरत है, वो भी तो एक और जिसको तुम गालियां देते हो, ये करते वो करते, जिसने अपना एक बेटा खोया, दूसरा बेटा भी इसी को सौंपा था, इसकी शादी करवाई थी। अगर इतने दुश्मन होते, इसकी इतनी बुराई करते तो इसके साथ क्यों होता? दोनों हाथों से ताली बजती है, गलती इसकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, लेकिन बात को अपने घर में बैठ के सुलझाने से फायदा होगा। क्योंकि आज भी इसका है, कल भी इसका, बेटियों का होना, सब कुछ इनका होना, वो कुछ नहीं लेके जाएंगे साथ में। ठीक है, साथ में लेके इसने भी जाना, उनने भी लेकर जाना, जो जो जोड़ के गए प्रॉपर्टी वो दोनों भाई, ना उन्होंने यूज की ना वो लेके गए।
किसी को कुछ भी नहीं लेके जाना, सिर्फ अगर मिलके रहे, प्यार से रहे, उनको भी अच्छा लगे। अब कितना अब अच्छा लग रहा है, वहां से कपड़े उठा रही है, वहां लेके जा रही है, वहां से वहां लेके जा रही है। अगर कुछ सहन करके, अगर सास के ताने सहन करके, अपने अगर उसके घर वालों को वो पसंद नहीं करती थी, उसको इग्नोर करके वहां रहती तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन नहीं, अब लोग कमेंट कर रहे थे कि पहले तो ये बोल रही थी मेरे पास वॉशिंग मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, अब इसने सीधा गाड़ी ले ली, वो पैसे कहाँ से आए भाई? जब ये कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो इतनी बड़ी गाड़ी ली है, स्कॉर्पियो ली है, वो कहाँ से आ गई? 1-2 हजार की तो नहीं आती, लाखों में आती है। अगर सोचने वाली बात है, अगर कोई दिमाग से काम ले, सब कुछ सोचे, तो जरूरी नहीं है कि अगर ये दुखी है, घर से अपनी मर्जी से आई है, निकाली नहीं है धक्के मार के, अगर ये ऐसे काम नहीं करती, वीडियो ना डालती वो वाली सूरज वाली, और ऐसे और भी जो सोशल मीडिया पे इसने और जो वो करा है, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, तो शायद वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको भी क्या दिखता है, अपनी पोतियां ही दिखती हैं सब कुछ। तो वो चीज इसने थोड़ी सी गलत की थी, मैं इसको यहाँ टोटली गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। अब ऐसा क्या, फिर अंशु, अंशु के साथ भी रिश्ता खत्म हो चुका है। अंशु बेचारी इतनी वो थी, और उसके साथ मतलब ये बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो, मेरी कमेंट है, बैड कमेंट है, जो लाइक किया ये किया, वो क्यों करेगी? वो जब टोटली बोल रही है कि भाई ऐसा मत करो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, अच्छे से आगे लाइफ में बढ़ो, ये करो वो करो, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके जो सब कुछ कर रही थी, अपने उसके पापा के बारे में इतना कुछ बोला तो भी वो इसी के साथ थी, सब कुछ, वो अगला इतना सपोर्ट कर रही थी इसको, लेकिन उसके साथ भी रिश्ता खत्म हो गया। अब सीवी के साथ भी रिश्ता खत्म हो गया। तो एक बंदा हर जगह सही है और बाकी सारे गलत हैं, तो ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सपना हर जगह सही है और बाकी सारे गलत है। तो ये कोई भगवान तो नहीं है कि ये कभी गलती नहीं कर सकती। तो जब जिस सीवी ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया हर जगह, वहां ऐसा क्या हुआ जो ये आ गया? मतलब क्वेश्चन उठेगा ना, ये नहीं कि हाँ सपना तो बिचारी है, उसने इतना सब कुछ झेल लिया, उसके साथ इतना कुछ हो गया, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें तो सिर्फ फिर एक विक्टिम कार्ड खेलना होता है, वो जो वो कर रहे हैं जो। तो भी मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि भाई मतलब सपना गलत है, सही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 10% 20% तो गलती है ही है। अगर ऐसा करने से ना पता क्या, एक तो भरोसा खत्म होता है, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ खत्म कर दिया, उसके साथ खत्म कर दिया, तो बहुत गलत बात है। आपको क्या लगता है, सपना सही है या गलत है? आप कमेंट, सीवी के साथ इसका रिलेशन है जो खत्म हुआ है, वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना? और सपना ने मतलब मेरे को तो सबसे बड़ी गलती वो सूरज वाली वीडियो की लगती है, कि वो करके गलत किया, उसी वजह से उसके पेरेंट्स को हर्ट हुआ है, और उसी वजह से इसकी बात बढ़ी, क्योंकि पहले इसने, इससे पहले भी वीडियो बनाई है बहुत सारी सास ससुर के खिलाफ, की ऐसे करते वैसे करते ऊपर कमरे में बैठ के, तो उन्होंने कुछ नहीं एक्शन लिया था, लेकिन ये बात बहुत गलत करी थी तभी उन्होंने एक्शन लिया था। और वहां बात को सेट भी किया जा सकता था, अगर फैमिली वाले आके, रिश्तेदार आके उस बात को सुलझाते हैं तो सुलझ सकती थी। लेकिन जहां तक मेरे को लगता था कि सपना खुद ही चाहती थी कि मैं वहां से निकल के अपनी लाइफ में खुद अपने तरीके से आगे बढ़ूं। अब कई बोल रहे कि तीसरी शादी करेगी, भाई देखो शादी करना हम गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई इतनी उम्र भी नहीं है, और करे या ना करे वो देखो उनकी मर्जी है, लेकिन जब करेगी तो हम गलत नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अकेले लाइफ जीना बहुत मुश्किल होता है। अभी 26-27 साल की सारी बोल रहे कि वो है, इतनी उम्र नहीं है, हद मार के 28-30 की होगी, तो वो गलत नहीं है। देखो अगर शादी करे जरूरी नहीं कि वो गलत है, नहीं, उसको गलत नहीं बोलेंगे भाई, वो उसकी मर्जी है करे या ना करे, लेकिन जो ये 2-4 गलतियां हैं, ये गलती हम बोलेंगे, शादी को हम कौन होते गलत बोलने वाले? उसकी लाइफ है, वो उसको कैसे भी जी सकती है, उसकी मर्जी है। लेकिन हाँ इन चीजों पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीजें ये थोड़ी सी गलत हैं, जहां पर लोग अंधविश्वास मतलब बिल्कुल ये आंखें बंद करके बोलते हैं कि नहीं वो ही सही है, वो ही सही है, वो ही सही है, तो वो चीजें भी थोड़ी सी गलत है। उनके ऊपर भी हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, बात को समझना चाहिए, ठीक गलत का फर्क करना चाहिए, ठीक है ना? तो प्लीज कमेंट करके बताना आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि वो सही है या गलत है, सीवी गलत है, सपना गलत है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय माता।